أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद दुनिया में इस्लाम के काबिल है कितने लोग मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है हम जिस दुनिया में रहते आए हैं उसके अलावा कई आलम है इसलिए कुरान पाक ने आलमीन कहा है अल्लाह के रसूल जितने भी आलम है सब के लिए रहमत बनकर आए हैं और इस दुनिया में जितनी भी मखलूक है 18,000 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत बनकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसलमान के नबी नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के नबी है वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत है किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है ये आलम पसंद आया अल्लाह के रसूल की चार बेटियां थी हजरत ज़ैनब हजरत रुकैया हजरत उम्मे कुलसुम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे कबीले कुरैश और खानदान बनू हाशिम से थे माँ का नाम आमिना नानी का नाम बर्रा नाना का नाम वाहब था जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महक रहा है ये दिल का जहां बेटी से जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो मेरे नबी का खानदान मेरे नबी का चला खानदान बेटी से सरकार की कायनात सारी कायनात के लिए बासे हिदायत है जिंदगी का कोई पहलू भी ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक आपकी तालीमात आपकी रोशन तालीमात में रहनुमाई ना मिलती हो आज इंसानी हुकूक के लिए एहतजाज किए जाते हैं जिन पर अमल दर अमल नहीं होता मगर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों कब्ल इंसानों के बाहर में हुकूक वाजह तौर पर बयान फरमा दिए आज इस दिन सारे ज्यादा मजदूरों के लिए रहने की बरपा है लेकिन महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों साल कब्ल मजदूर को बसुना खुश्क होने से पहले उसका हक देने का हुक्म इरशाद फरमाया फेंका हुआ किसी का ना छीना वो मिले फेंका हुआ किसी का ना छीना वो मिले मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले आज रखी आपका अपमान भी साल भर में एक दिन वालिदे के लिए फादर डे और मदर डे के नाम से मनाती हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से माँ के कदमों तले जन्नत सकती है और वालिदे की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखने पर मकबूल हर बबरे की अदर की नबी सुनाई हमें चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रोशन तरीकों और उस रोक मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करे इसी में हमारी कामयाबी कामरानी करार गुजर है इससे इच्छा मैं अपनी तकलीफ को खत्म करना चाहती हूँ दोजख को हर तरह का गुनहगार चाहिए जन्नत को मुस्तफा को वफादार चाहिए रिजवा तेरी जन्नत को देखेंगे बाद में पहले मुझे मुस्तफा का दीदार चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा हाफिज़